पिछली बार हम लोग मौलिक अधिकारों की बात कर रहे थे, उसमें अनुच्छेद 20 तक पूरा किए थे। अब हम बात करेंगे अनुच्छेद 21, जो सम्मान पूर्वक जीवन जीने की बात करता है, जिसमें दैहिक स्वतंत्रता है, प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार, साथ में उसमें सम्मान पूर्वक जीवन जीने का भी अधिकार शामिल है। तो प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार से क्या मतलब है? मतलब सीधा सीधा है कि आपका प्राण जो है विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के तहत ही जो है आपको फांसी की सजा दी जा सकती है। आपका प्राण लेने का जो वो है कार्रवाई है, वो ऐसे नहीं किसी को कहीं जो है वो कर दिया जाएगा, फांसी पे चढ़ा दिया जाएगा। तो विधि द्वारा स्थापित जो प्रक्रिया है, जो आईपीसी में है, सीआरपीसी में है, और न्यायालय के पास जाकर के सब प्रक्रिया पूरी होने के बाद ही होगी। और दैहिक स्वतंत्रता से मतलब है कि आप जो है विधि के स्थापित प्रक्रिया के अनुसार ही इसमें जो है वंचित होने की गुंजाइश है, अदरवाइज नहीं है। उसके अलावा आपको जो है मनमाने तरीके से गिरफ्तार नहीं किया जा सकता। यह है अनुच्छेद 22। इसकी एक प्रक्रिया होती है, क्या प्रक्रिया होती है कि पर्याप्त आधार, पर्याप्त लॉजिक होना चाहिए पुलिस के पास, तभी वो गिरफ्तार कर सकती है। जो पर्याप्त आधार है वो कोर्ट का आदेश होना चाहिए, प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन होना चाहिए। तो मनमानी गिरफ्तारी पे रोक दिया हुआ है, पुलिस कहीं भी किसी भी तरीके से जब मर्जी गिरफ्तार नहीं करेगी जब तक उसके पास और उचित आधार न हो। और इसमें क्या दिया हुआ है कि जहां से आपको गिरफ्तार किया गया, उस जगह से जहां से गिरफ्तार करने से लेके और थाने ले जाने, सपोज आप यहाँ पे गिरफ्तार हुए, यहाँ आ गया थाना, ये पुलिस स्टेशन, और फिर आपको ले जाना है जुडिशरी में यहाँ, तो आपको ये ट्रांजिट टाइम, ये समझिए यहाँ गिरफ्तार हुए, बी पुलिस स्टेशन है, सी कोर्ट है, तो ए से बी के बीच जो है ये टाइम नहीं कैलकुलेट होगा, सिर्फ 24 घंटे का टाइम जो है पुलिस स्टेशन में होगा, और फिर ये टाइम जो पुलिस स्टेशन से कोर्ट में जाने का लगा वो भी काउंट नहीं होगा। तो 24 घंटे से ज्यादा पुलिस कस्टडी में पुलिस आपको नहीं रख सकती, उसकी ड्यूटी है कि 24 घंटे के अंदर अंदर जो है वो माननीय न्यायालय के समक्ष जो है प्रस्तुत करे। अगर छुट्टी का दिन है तो माननीय न्यायाधीश से जो है अनुरोध करके उसका डिस्पोजल करे। उसके बाद है शोषण के विरुद्ध अधिकार। आपको, आपसे कोई आदमी जो है जबरदस्ती कोई काम नहीं करा सकता, बलात्श्रम जिसे कहते हैं, जबरदस्ती आपसे जो है आपकी इच्छा के प्रतिकूल जा करके आपसे काम नहीं कराया जा सकता। जो दास प्रथा में था 1843 में, जो खत्म हो गया कानून बना के 1843 में, तो आपका शोषण नहीं कोई कर सकता। अगर आपकी मर्जी नहीं है तो आपसे कोई काम नहीं कराया जा सकता, या आपको मौलिक अधिकार है, मना कर सकते हैं कि नहीं मैं आज मजदूरी नहीं करूँगा। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप ऑफिस में काम करने से मना कर देंगे कि साहब मेरा तो मौलिक अधिकार है, हम आज काम नहीं करना चाहते। शोषण के विरुद्ध है, आपको एक्सप्लॉइट नहीं कर सकता, जबरदस्ती नहीं कर सकता, कम पैसा दे करके ज्यादा काम कराना ये भी शोषण, जबरदस्ती ज्यादा समय के घंटे बढ़ाना। अनुच्छेद 24 में लिखा है बालकों की सुरक्षा, चाइल्ड लेबर की बात करता है, जो बच्चे 14 साल से कम है उनको जो है रोजगार पे जो है फैक्ट्रियों में नहीं लगाया सकता। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि फैक्ट्री घर की है, उसका मालिक गार्जियन जो है आपके पिताजी है, तो उसको इससे प्रोटेक्शन नहीं मिलेगा। वो नहीं कह सकता कि पिताजी जबरदस्ती इसमें लगाए हुए हैं। तो ये ध्यान रखिएगा, बालकों की सुरक्षा जो है प्राइवेट एम्प्लॉयमेंट से है, ये नहीं कि आप अपने घर, आप घर की दुकान पर बैठ के वो अगर सामान बेच रहा है, 14 साल से कम का बच्चा अपने माँ बाप को सपोर्ट कर रहा है, तो वो भी इसमें नहीं आएगा, ध्यान देना। 25 से 28 के बीच धार्मिक स्वतंत्रता है, आप जो मर्जी धर्म मानिए, जिसमें आपको पूजा पाठ करना है करिए, जिससे ब्याह करना किसी धर्म जाति में जाके करिए, स्पेशल मैरिज एक्ट 1954 में छूट मिला है, किसी भी धर्म में कर सकते हैं, और 1956 का विवाह अधिनियम में है, किसी भी जाति में कर सकते हैं। 1954 वाला धर्म से है, और 1956 वाला जो विवाह, 1954 वाले को विशेष विवाह अधिनियम कहा जाता है। तो आप धर्म के नाम पे जो है सरकार का कोई इंटरफेरेंस नहीं होगा, आप अपने हिसाब से जो धर्म मानना है मानिए, खूब उसमें पूजा पाठ करिए,
लेकिन ध्यान रखिए कि दूसरे को कोई परेशानी ना हो, देश की सुरक्षा को, समाज में कोई अनरेस्ट असंतोष ना पैदा हो आपके उस कृत्य से, ये ध्यान रखिए। और 29 से 30 के बीच में अल्पसंख्यकों को, जो माइनॉरिटीज क्लास है हिंदू को छोड़ करके, उनको अपनी मर्जी के हिसाब से जो अपना शैक्षिक संस्थान एस्टेब्लिश करने, उसको चलाने, उसको रन करने की आज़ादी मिली हुई है। और अनुच्छेद 31 में संपत्ति का अधिकार मिला हुआ है। आपकी संपत्ति को बिना किसी वैलिड रीजन के, बिना किसी जस्टिफिकेशन के, बिना किसी कानूनी प्रक्रिया को पूरा किए हुए सरकार छीन नहीं सकती। हाँ, अगर आपने घोटाले से ही किया है, आपने कहीं किसी लोन, किसी डेट को आपने चुकाया नहीं है, सरकार का पैसा या आम जनता का पैसा लेके भागे हुए हैं, उस कंडीशन में आपकी संपत्ति को जो है अटैच करने से कोई नहीं रोक सकता। तो संपत्ति बनाने का, संपत्ति रखने का, संपत्ति उपभोग करने का आपका मौलिक अधिकार है, लेकिन कानूनी और व्यवस्थागत नियमों और विनियमों के अधीन है। ये नहीं कह सकते कि साहब हमारा संपत्ति कैसे अटैच कर लिया। कोर्ट एक्ट है कई स्टेट में जो इस टाइप की संपत्तियां होती हैं जिसका कोई मालिक नहीं होता, बेनामी जिसे कहते हैं, बिना नाम का, किसी और के नाम से होगा, उससे पूछा जाता है तो कहता है कि मेरी तो है ही नहीं। तो उससे जब पूछा जाता है जोर से, जो तुम्हारी नहीं थे, खरीदा है तुमने क्यों अपने नाम पे, तब वो बताएगा कि साहब वो तो मेरी नहीं है, उसकी है। सरकार ने नया कानून में बढ़िया संशोधन करके बना दिया कि अगर आप ऐसा करते हैं तो आप भी कुली 7 साल की जेल जाने के लिए तैयार नहीं। तो बेनामी एक्ट में हाल में 2-4 साल में संशोधन हुआ है, अब उसको भी उतना ही को एक्यूज माना गया है जितना कि जो है उस बिल्डिंग को, उस प्रॉपर्टी को, बेनामी को पैदा करने वाले व्यक्ति। कई केसेस आए हैं, पर आपने देखा होगा कई स्टेट्स में आए हैं। तो बेनामी एक्ट में जो होल्डर है ए, और एक मालिक है बी, और है किसी और के नाम से सी, तो ये ध्यान दीजिएगा, ये सी के नाम से होगा तो वो भी फंसेगा, 7 साल की जेल उसको भी होगी। एक ये बड़ा बढ़िया किया गया है बेनामी संपत्ति को जो है रोकने के लिए, अटैच करने के लिए। तो हम कहा थे ये संपत्ति के अधिकार में थे, तो संपत्ति बनाइए, लेकिन लेकिन विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के तहत बनाइए। संपत्ति कर दीजिए और संपत्ति खूब होल्ड करिए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन वो सब जो है नियमों का अनुकूल होना चाहिए। 32 अनुच्छेद में दिया जुडिशियल रिव्यू, न्यायालय जो है, सुप्रीम कोर्ट जो है, आपके इसको रिव्यू कर सकता है अगर उसको लगता है कि इस पे जो है किसी के मौलिक अधिकारों का वो हो रहा है, क्या नाम है, उल्लंघन हो रहा है, तो वो जो है उस पर हस्तक्षेप कर सकता है। तो ये है अनुच्छेद 32। और इसके साथ आप अपने अधिकारों की रक्षा के लिए संविधान ने मूल अधिकारों के प्रवर्तन के लिए रिट निकालने की शक्ति उच्चतम न्यायालय और न्यायालयों को दी है, अनुच्छेद 32 और 226। 226 में जो है हाई कोर्ट का है, 226 में हाई कोर्ट में रिट पिटीशन दायर हो सकता है, और 32 में सुप्रीम कोर्ट में। ध्यान दीजिएगा, कई बार आता है रिट पिटीशन क्या होता है, रिट याचिका जो मौलिक अधिकारों को लागू करवाने के लिए, या उसमें अगर कोई दिक्कत आ रही है तो उसको सेटराइट कराने के लिए आप रिट पिटीशन दायर कर सकते हैं। तो अनुच्छेद 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट में जाइए या हाई कोर्ट में 226 के तहत जाइए। तो ये रिट जो है कितने प्रकार के होते हैं, ये होते हैं, यहां मैंने लिखा है बंदी प्रत्यक्षीकरण, हैबियस कॉर्पस, वही जो किसी व्यक्ति को अगर आपने पकड़ा है, पुलिस ने पकड़ा है, तो उसको 24 घंटे के अंदर जो है कोर्ट के सामने प्रोड्यूस करना पड़ेगा। तो ये है बंदी प्रत्यक्षीकरण, हैबियस कॉर्पस, शरीर प्राप्त करना, बड़ा बढ़िया है। तो दूसरा है मेंडमस परमादेश, जिसमें जिस निकाय या व्यक्ति को संबोधित है उससे अपेक्षा की वह कोई लोक कर्तव्य या लोक कल विधि कर्तव्य करे जिसे करने से उसने इनकार कर दिया, आदेश देगा कोर्ट कि तुम ये काम करो, तुमने क्यों नहीं किया है, इसका इसका
इसका मौलिक अधिकार का उल्लंघन हो रहा है, आप इसकी कार्रवाई ठीक से करिए। तो परमादेश का रिट जो है न्यायालय द्वारा, कौन सा न्यायालय, जिला न्यायालय नहीं, या तो हाई कोर्ट होगा या सुप्रीम कोर्ट होगा, ध्यान दीजिएगा मेरी बात पे। तो वो जो है किसी अधिकारी को, किसी को जो है लोक कर्तव्य का जो ऑफिशियल है उसको आदेश देगा। तीसरा है प्रतिषेध, हायर कोर्ट कह सकता है किससे, लोअर से, कि तुम्हारे ये ज्यूरिडिक्शन में, क्षेत्र में नहीं आता है, तुम ये काम मत करो। और चौथा है उत्प्रेषण, वो कहेगा कि तुम्हारे तुम्हारे क्षेत्र में नहीं है, छोड़ो, तुम हमें भेज दो, जिसको बोलते हैं उत्प्रेषण। और लास्ट है अधिकार परीक्षा, क्यू वारंटो, उसमें किसी ऑफिशियल से पूछा जाता है कि आपको किसने बैठाया, आपको इस कुर्सी पर बैठ के डिसीजन लेने के लिए जो अधिकार मिला है उसका वैलिड आधार क्या है, उसका रेशनल बेसिस क्या है, उसका जो है प्रोसीजरल क्या है, तो आप जो है कृपा करके बताइए। तो उससे जो है अधिकार परीक्षा के तहत ये पूछा जाता है कि आपकी नियुक्ति कैसे हुई है, उसका डॉक्यूमेंटेशन क्या है, प्रोसेस क्या है। तो ये सब बातें थी मूल अधिकार और उसके से रिलेटेड अनुच्छेदों का। और इस अनुच्छेदों के साथ साथ ये ध्यान रखिएगा कि इसमें तमाम चीजें ऐसी हैं जो कि बहुत ही रिलेवेंट और काम की है। आप इसको ठीक से पढ़िए और जो चीजें हमने हाईलाइट किया उसको फोकस करते हुए दिमाग जो है उस पर कंसंट्रेट करिए और रिवाइज करते रहिए, और कुछ पिछले साल के क्वेश्चनों के साथ जो है उसको कोरिलेट करिए। और लास्ट में इसमें है एक मौलिक अधिकार के साथ साथ मूल कर्तव्य, 51 का ही पहले बता चुके हैं, इसमें जो है 10 के अलावा भी है, 10 है। तो उसमें दिया हुआ मूल कर्तव्य क्या है, संविधान का पालन करिए, स्वतंत्रता के लिए राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित करो, उच्च आदर्शों को संजोए रखिए, प्रभुता संप्रभुता एकता अखंडता की रक्षा करिए, देश की रक्षा करिए, भारत के सभी लोगों में समरसता भातृत्व की भावना, वैज्ञानिक दृष्टिकोण, सार्वजनिक समिति, ये सब करिए। लेकिन ध्यान दीजिएगा कि संविधान ने इन कर्तव्यों को सीधे प्रवर्तन के लिए, उनके उल्लंघन के निवारण के लिए किसी भी अधिशास्ति सैंक्शंस के लिए किसी को दंडित करने का प्रावधान नहीं है। आप कोई पौनी कर्तव्य का पालन नहीं कर रहा है तो हम कोर्ट में जाके नहीं कह सकते कि साहब ये जो है देखिए ना वैज्ञानिक दृष्टिकोण ही नहीं डेवलप कर रहा है, बहुत ही बेकार आदमी है। तो ये है आपका मौलिक कर्तव्य। फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।